हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे मसाला खिचड़ी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो सबसे पहले लेंगे हम खिचड़ी वाले चावल और उसमें मूंग दाल डाली है, ये जो छिलके वाली मूंग दाल है वो है। फिर उसमें पानी डाल के हम भिगो देंगे 15 से 20 मिनट। हमने लिए खड़े मसाले, उसमें होगा लौंग, बड़ी इलायची, मरी, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, जीरा, चक्रफूल, तजपान और कड़ी पत्ता। फिर लेके ढेर सारी सब्जी है, उसमें आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने लिया है पत्ता गोभी, मटर, आलू, टमाटर, फूल गोभी, अदरक लहसुन का पेस्ट, दो हरी मिर्च, प्याज, बैंगन और धनिया पत्ता। फिर हम बड़ा कुकर लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद हमारे जो भी खड़े मसाले हैं वो डाल के हम उसको पका लेंगे। फिर डालेंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता छटक जाए उसके बाद डालेंगे हम प्याज, और प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। प्याज पक जाए उसके बाद डालेंगे उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर डालेंगे हमने हरी मिर्च और फिर डालेंगे सारी सब्जियाँ। सब्जियाँ आप कोई और भी ले सकते हैं अपनी पसंद के, जैसे कि गाजर हो गया या कुछ भी और आपको जो पसंद हो वो डाल दे सकते हैं। हमने अभी पहले डाले हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और मटर, बैंगन और टमाटर लास्ट में डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर फटाफट गल जाए। फिर अच्छे से एक बार हम सबको मिक्स कर देंगे और फिर हम डालेंगे लहसुन की चटनी और जीरा पाउडर और हल्दी। मसाले को 3 से 4 मिनट तक पकाना है, मसाले पक जाएंगे तो तेल किनारे पे आ जाएगा। फिर हमको डालना है चावल जो हमने भिगो के रखे थे, आप इसमें से दाल कोई भी ले सकते हैं, इसमें मूंग की दाल भी आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ हमने एक बाउल चावल लिए हैं तो हम 2 बाउल पानी डालेंगे, ऐसा हमारा रेशियो रहेगा। फिर पानी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और ऊपर से डालेंगे हम गरम मसाला और धनिया पत्ता और 3 सीटी होने तक हम उसको पका लेंगे। 3 सीटी हो जाने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो देख रहे हैं आप एकदम टेस्टी और पुलाव जैसी खिचड़ी हमारी तैयार है। इसको एक प्लेट में हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। देसी घी से डालने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर इस गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे टमाटर, प्याज और ठंडी ठंडी छाछ के साथ। ऐसे ही रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट भी करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें।